पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत सेवा संस्था गोंदिया के अध्यक्ष सावन बहेकार तथा सारस संरक्षण के लिए कार्यरत बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल एवं वन विभाग द्वारा सारस गणना का कार्य पारंपरिक एवं शास्त्रीय पद्धति से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी 6 दिनों तक चली सारस गणना में बालाघाट तथा गोंदिया जिले में कुल 70 एवं 80 स्थानों पर सेवा संस्था बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के सदस्य, स्थानीय किसान, सारस मित्र तथा वन विभाग गोंदिया और बालाघाट के अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा सारस गणना को पूर्ण किया गया। कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा बताया गया कि बालाघाट जिले में 47, गोंदिया जिले में 39 एवं साथ ही में भंडारा में 2 सारस की गणना की गई है, जो हर्ष का विषय है। विशेषकर बालाघाट जिले में सबसे अधिक सारस पाया जाना एवं बालाघाट के किसानों से अपील की गई है कि सारस के घोंसलों को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाया जाए, तो प्रत्येक वर्ष 10 से 12 जोड़े सारस की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। प्रत्येक किसान एवं ग्रामीणों को जागरूक रहकर इनके संरक्षण हेतु सजगता से कार्य करना चाहिए, इससे बालाघाट जिला सारस के लिए पहचाना जाएगा। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।